तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाउन बनकर रेडी हो चुका है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लुक आया इसका। इसी का दूसरा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। एक साड़ी में से मैंने दो ड्रेस बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे वाली है। इसके बाजू का वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था। तो ये देखिए, ये फ्रंट से ओपन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ वाली कुर्ती है फ्रेंड्स, और इस तरफ वाला गाउन है। बड़ा सारा थम्स अप करना फ्रेंड्स, बड़ा सारा लाइक कर देना वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम अपनी साड़ी में से गाउन कट किया था हमने, सिंपल गाउन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आज हम उसकी स्टिचिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बाजू रेडी करेंगे। तो देखिए, मैंने बाजू को पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी बाजू रेडी कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाजू रेडी कर ली है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों बाजू रेडी कर ली है। इनको हम हटा देते हैं। अब हम पहले, सॉरी फ्रेंड्स, मैं पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारी बच गई है करने के लिए, ये देखिए, जो हम ऐसे करके और यहाँ पर जो सिलाई लगाते हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम अपना घेर रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा घेर का कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है और नीचे वाला अस्तर है। तो सीधे कपड़े के ऊपर मैं पलट कर दिखाती हूँ आपको। इस साइड में आ जाइए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा हमारा इस टाइम उल्टा है। उल्टे कपड़े के ऊपर हमने उल्टे पोर्शन को रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। उल्टे के ऊपर उल्टा पोर्शन रखकर और यहाँ से हम एक सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे घेर में अपनी सिलाई लगा ली है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा है तो मैंने कपड़ा मोड़ कर रखा है। ये इस तरफ चौड़ा है फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ ये इसकी लंबाई है। तो लंबाई की तरफ हमने कुछ नहीं किया है, चौड़ाई की तरफ जो है वो मैंने इसमें अस्तर अपना ज्वाइन कर लिया है, इनर पार्ट जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमें चुन्नटें भरनी है, ये यहाँ पर, बट वो हम बाद में भरेंगे जब हमारे ऊपर की बॉडी पूरी रेडी हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बॉडी का फ्रंट पार्ट है। मैं इसमें से पिन वगैरह निकाल लेती हूँ। उस दिन से ये ऐसे ही रखा है, मैंने इसकी पिन नहीं निकाली है। तो हम इसको, इसके गला बनाने का एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, हम अलग से गले के लिए जो पट्टी वगैरह काटते हैं, आज मैं उन सबको हटाकर आपको बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान तरीका, जिसको आप आराम से कर सकते हो, वो बताने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा नेक है। इसमें थोड़ी सी कढ़ाई है, सितारे वगैरह हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आपका कपड़ा प्लेन होगा तो उस पर बहुत जल्दी सिलाई हो जाएगी आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा इनर पार्ट है, लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट है, मतलब कि सीधा कपड़ा है, और सीधे कपड़े के ऊपर ही हमें अपना उल्टा कपड़ा रखना है। सीधा मत रखना फ्रेंड्स, सीधे के ऊपर हमें उल्टा पार्ट रखना है, ऊपर की तरफ हमारा उल्टा पार्ट होना चाहिए। ये देखिए, सीधा और ये सीधा, दोनों सीधे सीधे होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सीधे के ऊपर मैंने सीधा रखा है, और दोनों के उल्टे पार्ट जो हैं, ये उल्टा पार्ट है इसका, और ये इसका उल्टा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बस हम सिंपल सी एक सिलाई लगा देते हैं, और कुछ नहीं करना है। मैं इसे पिनअप करके सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिनअप कर ली है, और बस यहाँ किनारे किनारे में एक सिंपल सिलाई लगा देती हूँ। कैमरा सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैमरा सेट कर लिया है, और साइड साइड बस में इसमें सिलाई लगा देती हूँ एंड तक। आपको नीचे वाला पार्ट भी हटाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग गई है, मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये हम किनारे किनारे पर इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने से जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये आराम से पलट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें अपना फ्रंट पार्ट ऊपर रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स,
आपको ऐसे पलटना है, ये देखिए ऐसे करके हमारा नेक भी बनकर रेडी हो गया है और हमें अलग से नेक पर पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसको करने का तरीका कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इसको ऐसे बिछाना है, ठीक है। ये देखिए हमारा ये जो सिलाई है आपको दिख रही होगी, ये वाली सिलाई हमें राइट हैंड की तरफ रखना है। राइट हैंड फ्रेंड्स, राइट हैंड ये है, आप राइट हैंड की तरफ रखना जिस तरफ हमारा इनर पार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट हैंड की तरफ ही नीचे का जो कपड़ा है वो रखना और इस पर बस एक किनारे किनारे सिलाई लगानी है। और सिलाई भी आपको फ्रेंड्स राइट हैंड की तरफ वाले कपड़े पर ही लगानी है, ये जो मेन फैब्रिक है इस पर आपको नहीं लगानी है। दोनों तरफ से कपड़े को इक्वल करते हुए आपको राइट हैंड की तरफ ही सिलाई लगानी है और आपको ध्यान रखना है कि नीचे से हमारा जो कपड़ा है वो राइट हैंड की तरफ ही हो। मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ सारी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा ली है इस पर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको सेट कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको दूसरा जो हमारा पार्ट है वो भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। हमारा बॉडी पार्ट बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए नेक कितना अच्छा सा बन के आ गया है, अलग से हमें पट्टी जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही बना लेती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही मैंने अपना बैक जो पार्ट है वो भी बना लिया है। ये देखिए इसका नेक भी कितना अच्छा आया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे ही बिल्कुल सेम इसमें इसको भी बनाया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें चुन्नटें डाल दिए अच्छी फिटिंग आने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चुन्नट मैं फ्रंट पार्ट में आपको डालना बताऊँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डोरी बनाई है सेम इसी कलर से और इसमें मैं कुछ अलग तरह का लटकन लगाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको डोरी और लटकन जानना हो कि ये मैंने कैसे बनाया है तो आप कमेंट कर देना और मैं ये आपको बनाकर दिखा दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं अपनी लटकन जो है यहाँ पर लगाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये गला मैंने जानबूझ कर डीप बनाया था थोड़ा सा, तो मैं इसको यहाँ सील दूँगी। सिलने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको डोरी लगाना बताती हूँ। यहाँ से दोनों तरफ से हमने ऊपर से दो दो इंच ले लिया है, ये देखिए दो दो इंच मैंने छोड़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो। इसको दो इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरफ। अब यहाँ पर हम अपनी डोरी रखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए अंदर की तरफ आपको डोरी रखनी है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी यहाँ देखिए ऐसे रखनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी सिलाई लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि हमें इस पर सिलाई लगानी ही है इसको मजबूती देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों तरफ से मैंने डोरी बीच में से कट नहीं करी है, पहले मैं इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रख के हम इसको सिलाई लगा लेते हैं और पूरी नेक में लगानी है। कपड़े को इक्वल करते हुए मैं सारे नेक में सिलाई लगा लेती हूँ, बिल्कुल किनारे पे लगानी है। और ये सिलाई जो है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी बड़ी आएगी, मतलब बखिया जिसे बोलते हैं वो आप बड़ा वाला बखिया कर लेना। अगर आपको छोटी लगानी है तो आप छोटा बखिया भी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ हमें दूसरी डोरी लगानी है। आपको निशान दिख रहा होगा, ये है निशान। तो मैंने डोरी रख ली है और इसको भी आराम से लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे बाहर निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। इस टाइप से नेक बनाने के दो फायदे होते हैं। एक तो फ्रेंड्स, आपको अलग से कपड़ा नहीं कट करना पड़ता, और जो हम नेक बनाते हैं फ्रेंड्स उसमें हमें जो अलग से तुरपाई करनी पड़ती है उससे भी हमारा पीछा छूट जाता है, तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो अब फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैं आपको चुन्नटें डालना बताती हूँ। बैक पार्ट में मैंने चुन्नट डाल ली है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट वाला बॉडी पार्ट है, तो इसमें हम पहले अपना जो इनर है उस पर चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। नेक की तरफ हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए मैंने पिनअप कर लिया है, यहाँ से शुरू करके हमें इसे यहाँ तक लाना है और यहाँ हमें नीचे की तरफ इसे ख़त्म करना है यहाँ तक। ये जो बॉटम पार्ट है इसका बॉडी का, यहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है और दूसरी तरफ भी हमें सेम यही करना है। आपको दिख रहा होगा मैंने पिनअप कर लिया है, तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। को साइड साइड में सिलाई लगानी है और मोटे बखिये से सिलाई लगानी है, बारीक बखिये से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लगकर रेडी हो चुकी है।
इसके बाद हम इसमें चुन्नट डालना बताएंगे आपको, तो इसके लिए आपको इसको सेंटर से फोल्ड कर लेना है, उल्टी तरफ से ही फोल्ड करना है, सीधी तरफ से हमें इसे फोल्ड नहीं करना है। ये देखिए उल्टी तरफ से आप फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है और इस तरफ हमारा खुला हुआ हिस्सा है, तो हमें जुड़े तरफ से 4 इंच पर निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ हम 4 इंच पर लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम लगाएंगे 4.5। ये देखिए और यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे हम बीच में से खोलेंगे और इसको सेट करते हुए कपड़े को बीच में से मोड़ देंगे और यहाँ थोड़ा सा टैप कर देंगे तो जो हमने चौक का निशान लगाया है सेम वैसा ही दूसरी तरफ भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आया है लाइट सा, तो हम इसे डार्क कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा निशान आ चुका है, यहीं से हमें इस पर अपनी चुन्नट डालनी है। इसके लिए मैं इसे पिनअप कर लेती हूँ, तो ये देखिए हमने इसे पिनअप कर लिया है दोनों तरफ से। अब इस पर सिलाई लगानी है हमें, तो सिलाई देखिए कैसी आएगी। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ ऊपर ले जाते हुए इसे बिल्कुल कॉर्नर में मिला देंगे। ये थोड़ी तिरछी सिलाई आती है तभी हमारी चुन्नट जो है वो बिल्कुल अच्छी आती है फिटिंग में। ऐसे ऐसे सिलाई लगानी, यहाँ से आपको नीचे की तरफ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है दोनों तरफ से और ऊपर जाते हुए इसे यहाँ कॉर्नर पर मिला देना है। तो देखिए हमारी दोनों पार्ट में हमारी चुन्नटें लग चुकी हैं। अब हम पहले इसके कंधे जोड़ लेंगे। कंधे जोड़ने के लिए हमें सीधे कपड़े के ऊपर अपना सीधा कपड़ा बिछाना होता है और बस इसके कंधे पर सिलाई लगा देनी होती है। तो ये देखिए हमने सीधा बिछाया, फ्रंट पार्ट है हमारा और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए दोनों चारों चुन्नटों की फिटिंग जो है वो बहुत अच्छी आई है और यहाँ से इक्वल करते हुए हम इन पर सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपको यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेनी है 2 बार कम से कम। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे कंधे जुड़ चुके हैं, इसके बाद हम पहले अपने बाजू जोड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको बाजू जोड़ना नहीं आता है, समझ नहीं आता कि कौन सा पार्ट फ्रंट का है, कौन सा लेफ्ट का है, कौन सा राइट का है, तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए अपनी कुर्ती को, अपने सूट को या अपने ब्लाउज को ऐसे सीधा करके बिछा लीजिए। फ्रंट पार्ट जो है वो आगे की तरफ होना चाहिए और ये देखिए ये हमारी 2 बाजू हैं, आप इनको भी फ्रंट पार्ट की तरफ से बिछा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो गहराई वाला पार्ट है ये हमेशा हमारे फ्रंट पार्ट पर आता है, तो ये बाजू इस तरफ की है और इस तरफ का लेफ्ट हैंड की तरफ का ये गहराई जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। अगर हम इसे ऐसे करके जोड़ देंगे कि ये इस तरफ वाला इधर जोड़ दें और इस तरफ वाला इधर जोड़ दें, तो ये जो हमारे यहाँ की फिटिंग आती है वो नहीं आएगी और हमारी कुर्ती और हमारा सूट जो है वो बहुत ही बेकार दिखेगा। इसीलिए हमें सिलाई करते टाइम इसका ध्यान रखना है, अपनी कुर्ती को भी ऐसे बिछाना है और अपनी बाजू को भी ऐसे रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन उस तरफ का है क्योंकि गहराई वाला हिस्सा नीचे है, तो हम इसे यूँ पलट देंगे तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा और ये राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है ये जानने का कि बाजू किस तरफ हमें जोड़नी है, फ्रंट की है, लेफ्ट की है या राइट की है। ये देखिए तो ये वाली बाजू जो है पहले हम इसे इस तरफ जोड़ते हैं और इसको हटा देते हैं। इसे जोड़ने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी बाजू को, अपनी कुर्ती को ऐसे खोल कर रखिए, ऊपर का बॉडी पार्ट जो है, और बाजू को उसके सामने बिछा लीजिए, ऐसे करके बिछा लीजिए। ये देखिए इधर से भी हमारा ये बॉडी पार्ट सीधा है और बाजू पार्ट भी हमारा सीधा है। उसके बाद हम इसे पलट देंगे ऐसे करके और बस यहाँ कॉर्नर से मिलाते हुए आपको सिलाई कर लेनी है पूरे एंड पार्ट तक। बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाता है। तो देखिए ऐसे मिलाते हुए अपनी बाजू को हम अपनी बॉडी पार्ट के साथ सील लेते हैं सारा।
बीच में जरा सा भी झोल नहीं पड़ना चाहिए, चुन्नट नहीं आनी चाहिए। कपड़े को इक्वल करते हुए सिलते जाइए। तो देखिए मेरी बाजू सिलकर रेडी हो चुकी है। इस पर हम एक और यहाँ इस तरफ को, ये देखिए मैं सीधा करके दिखाती हूँ आपको, अपने बाजू को ऐसे सीधा करके खोल लीजिए। ये देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है इससे राइट हैंड की तरफ रखिए, सिलाई को राइट हैंड की तरफ रखकर अपनी बाजू भी राइट हैंड की तरफ ही कर दीजिए और यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा दीजिए। तो ये बहुत अच्छी फिनिशिंग से आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेती हूँ और दूसरी बाजू भी ऐसे ही जोड़ लेती हूँ। दोनों बाजू जुड़ चुकी है, इसके बाद हम इनकी फिटिंग कर लेते हैं ऊपर से नीचे तक अपने बॉडी पार्ट तक। तो देखिए अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं अपने बॉडी पर। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है दोनों तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स हम सिलाई लगा लेते हैं अपने बाजू पे भी और अपने बॉडी पार्ट पे भी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, बाजू वगैरह सब कुछ जुड़ चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम अपना जो बॉटम पार्ट है उसका काम करेंगे। तो उसके लिए पहले हम अपना नीचे का जो बॉडी पार्ट है इसको नाप लेते हैं फ्रेंड्स, ये टोटल कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है टोटल 17 इंच आ रहा है फ्रेंड्स ये टोटल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा बॉटम पार्ट है, मैं इसको खोल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ नीचे की तरफ मेरा ये जो है बिल्कुल कॉर्नर अच्छे से पैक है, इसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉर्नर सिला हुआ ना हो, ऐसे पैक ना हो, लॉक ना हो, तो आप उस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं देखती हूँ अगर ये मुझे ज़्यादा बड़ा हुआ तो मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसकी तह लगा लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड्स ये इसका सेंटर पार्ट है जो मेरे हाथ में है, मैं यहाँ ज़रा सा कट लगा लेती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये मुझे एक साइड में स्टिच करना है, जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी बड़ा है, सारा मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेंटर पार्ट यहाँ है, ठीक है। तो हमें देखिए 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है हमें यहाँ से इतना, और उसके बाद ये जितना भी है ये देखिए फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, डबल फोल्ड है ये। इसमें सारे में हम चुन्नटें भर लेते हैं। चुन्नट जो आपको कैसे भरनी है वो मैं बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरफ से बताती हूँ, यहाँ से आपको 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और किसी भी तरफ आप इसको ऐसे करके चुन्नटें भर लीजिए 1 इंच की दूरी पर ऐसे करके। इन चुन्नटों का जो मुँह है फ्रेंड्स वो लेफ्ट हैंड की तरफ भी हो सकता है, राइट हैंड की तरफ भी हो सकता है, जिस तरफ आपको सुविधा हो उस तरफ आप इसमें ऐसे चुन्नटें भर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगभग ये चुन्नटें भर के जब हमारा पूरा सर्कल तैयार होगा तो वो 17 इंच आना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी चुन्नटें डाल ली हैं और नाप कर देख लिया है, आप भी पहले नाप कर देख लेना कि ये बिल्कुल बॉडी के बराबर आती है या नहीं। जी हाँ ये बॉडी के बराबर है। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम बॉडी पार्ट के साथ इसे अटैच कैसे करेंगे। तो देखिए हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल सीधी है, आपको दिख रहा है, और हमारे नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो भी सीधा है, सीधा रख लेना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कैमरा थोड़ा सेट कर लेती हूँ मैं, इसके बाद दिखाती हूँ। तो ये हमारा बॉटम पार्ट जो है हम इसे उल्टा कर देंगे, नीचे से पकड़ कर इसको हम यूँ ऊपर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए बॉडी पार्ट सीधी है, अब ये हमारा नीचे का जो बॉटम पार्ट है वो उल्टा हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे हो जाएगा ये, ये देखिए बस आपको ऐसे पूरे राउंड सर्कल में आपको ऐसे सिलाई चला देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे सेट कर लेंगे बॉडी पार्ट को और अपने बॉटम पार्ट को, और ऐसे दोनों कपड़ों को बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये बहुत ही इजी मेथड मैंने आपको बताया है, आपकी साड़ी का भी रीयूज हो जाएगा और हमारे पास एक नई ड्रेस भी बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत आसानी से ये ड्रेस बन जाती है। तो आपको ऐसे कपड़े को बराबर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, और नीचे की चुन्नटों का ध्यान रखना है कि वो चुन्नट एक्स्ट्रा ना दब जाए, तो जितनी हमें दबानी है उतनी ही दबे। तो मैं एंड तक सिलाई लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारा साइड वाला बॉडी पार्ट है जो हमने अटैच किया था और जहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी। तो आप इसे 2-3 बार मोड़ कर यूँ साइड कर देना फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर इक्वल सिलाई आ जाएगी, मतलब ये हमें पहनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। आपको मोड़ कर साइड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरे वाला बॉडी पार्ट का सेंटर है, ये साइड में जो हमारा आता है उसे मैं ऐसे फोल्ड करके और बस इस पर सिलाई लगा दूँगी। आपको इसे दो तीन बार फोल्ड कर कर ही सिलाई लगाना है। तो देखिए हमारी सिलाई पूरी हो चुकी है, मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गाउन है वो सिलकर रेडी हो चुका है। मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ आपको, फिर आप बताना ये कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बड़ा सारा थम्स अप करना, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और उन्हें भी आइडिया देना कि अपनी पुरानी ओल्ड साड़ी का यूज़ करें, उसे वेस्ट ना फेंकें। तो मैं इसे पहनकर दिखाती हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रेस करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी और आप उसे देख पाओगे और मेरे आइडिया को यूज़ कर पाओगे और अपने पुराने कपड़े का रीयूज़ कर पाओगे। तो मैं पहन कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गाउन बनकर रेडी हो चुका है। इसकी फिटिंग देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी आई है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं दूर जाके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिटिंग आई है इसकी, मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है इसकी, बहुत ही अच्छी। ये देखिए फ्रेंड्स, और मैंने इस साड़ी में से दो ड्रेस बनाई है फ्रेंड्स, तो वो दोनों ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी, तभी हमारा वीडियो कम्प्लीट होगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो बड़ा सारा थम्स अप जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मैं दोनों ड्रेस आपको ज़रूर दिखाऊंगी।